हेलो फ्रेंड्स, मैं चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में एमसील के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एमसील को कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। तो चलिए पहले देखते हैं कि एमसील ये है। एमसील आपका एमसील ये इसका प्राइस है फ्रेंड्स 10 रुपये, 25 ग्राम रहते हैं इसमें, 25 ग्राम इसमें रहते हैं टोटल। इसका इसका प्राइस है 10 रुपीज़, ठीक है। इसको लेने से पहले एक बार इसका MFG देख लें कि मैनुफैक्चर कब हुआ है। ओके, तो इसको मैन्युफैक्चर कब हुआ इसका MFG देख लें फ्रेंड्स लेने से पहले एक बार। तो इसका देखिए मैन्युफैक्चर हुआ इसका इसका 20 में है 12 2020। और इसका जो लाइफ रहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 12 मंथ्स फ्रॉम द मंथ्स ऑफ मैन्युफैक्चर। इसका जो सेल्फ लाइफ रहता है तो 1 साल का रहता है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार यूज़ करने एक बार ख़रीदने से पहले उसका डेट देख लें, कहेंगे डेट एक्सपायरी रहेगा तो आपका ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करते हैं, इसमें देखिए दो दो इसमें पैकेट रहता है, एक एक ये है, एक रेड कलर का और एक येलो कलर का, ठीक है। तो दोनों को चलो फाड़ते हैं और इसमें देखते हैं। इसमें देखिए ग्रे कलर का इसमें निकलता है, ग्रे कलर का रेड में। अब चलिए येलो को फाड़ते हैं, इसमें देखिए येलो में ब्लैक कलर का निकलता है, ठीक है। तो आप लोग को दोनों को मिक्स करना है, लेकिन आपको जितना यूज़ है उतना ही आप लोग मिक्स करें, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल कम मिक्स करता हूँ, दोनों को सेम रेशियो में मिक्स करें, ठीक है। जितना उसको लेना है उसको जितना भी उसी को लेना है। देखिए ये मैंने इसको इतना लिया थोड़ा सा, ओके। तो इसका भी सेम पोर्शन उसको कट करना है वहाँ से हाथ से, और देखिए ये थोड़ा हार्ड लगता है, देखिए दोनों मैं निकाल लिया हूँ। और यदि ये यूज में नहीं है तो इसको इसको पैक करके अपने पैकेट में रख दें, वो जो इसका एमसील का पैक है, ठीक है। तो फिर भी ये ओपन करके ज़्यादा दिन तक नहीं यूज़ होगा, लेकिन आप लोग जिस कुछ दिन के बाद इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इसको मैं पैक करके इसको रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने जो लिया है एमसील का जो, अब इसको अच्छा से मिक्स करना है, ये ब्लैक वाला थोड़ा नरम रहता है, मुलायम रहता है, ये थोड़ा ग्रे वाला थोड़ा हार्ड रहता है, ठीक है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, बस हाथ में एकदम, जब तक दोनों मिक्स ना हो जाए तब तक आप लोग को मसलते रहना उस तरह, और दोनों सेम कलर में जब तक ना आ जाए तब तक आप लोग को मिक्स करते रहना, ठीक है। देखिए इस तरह हो रहा है, इसको यूज़ करते समय फ्रेंड्स पानी से दूर रखें, क्योंकि पानी में अच्छे से पकड़ेगा नहीं, ठीक है। और हाथ में लग जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हाथ से छूट जाएगा, यदि पानी का पानी हाथ में लेंगे तो आपका ये तुरंत छूट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी मिक्स नहीं हुआ पूरा भी, देखिए इसका सेम कलर ब्लैक टाइप का ही हो जाएगा, देखिए अभी देखिए सेम कलर नहीं हुआ है अभी, इसको अच्छा से मिक्स नहीं करेंगे तो आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है। पानी जिस तरह प्रवेश करता है उस तरह प्रवेश करता ही रहेगा, तो आपको अच्छा से तरीके से इसको मिक्स कर लेना पहले, ठीक है। इसको मिक्स करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ एकदम मटेरियल आ जाते हैं हार्ड टाइप का, देखिए हार्ड हार्ड रहता है, इसको हार्ड जो थोड़ा सा मटेरियल रहेंगे उसको फेंक देना है यहाँ से निकाल के, ठीक है। मिक्स करते समय हार्ड मटेरियल आता है एक दो, तो उसको हटा देना वहाँ से, ठीक है। अब इसको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको एक लेयर में पतला सा लेयर में इस तरह करना है, इसको इस तरह पतला पतला, ठीक है, ताकि जहाँ पर आप यूज़ करें इसको इसी तरह पतला धागा टाइप का आप लोग बना लें, उसके बाद इसको यूज़ करना ठीक रहेगा, ठीक है। तो पहले मैं पूरा मिक्स कर लिया, देखिए पूरा कंप्लीट मिक्स हो चुका है, देखिए एक शेप में आ गया है ना इसका,
एक कलर में आ गया, इसको मैं कर लेता हूँ इस तरह धागा टाइप का बना लेता हूँ हाथ से। देखिए ये बन गया है, आप लोग जिस तरह यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से इसका मोटाई रखना है। ज़्यादा ज़्यादा मोटा रख सकते हैं या पतला भी रख सकते हैं, ठीक है अपने हिसाब से रखिएगा। ठीक है तो चलिए मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। जहाँ पर मुझे एक पाइप है, पाइप का मैं फिटिंग किया था तो उसमें थोड़ा सा लीकेज आ रहा है, तो मैं वहाँ आपको यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। चलिए दिखाते हैं आपको वीडियो ले जाके। तो यहाँ पर मुझे यूज़ करना है, देखिए पाइप यहाँ पर मैंने फिटिंग किया था, तो यहाँ एक सीपेज हो रहा है, थोड़ा सा बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको लगाने वाला हूँ, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो मैं इसको ऐसे यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह फ्रेंड्स यूज़ करना है। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।